पापा जान लग गए। सुबह के बज चुके हैं 8 और देवर जी भी जाने लगे हैं स्कूल को। सभी को मेरा प्यार भरा पहला, मैं आ गई हूँ आज एक फिर से नई ब्लॉग के साथ। तो मेरे नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। मैंने नाश्ता वास्ता घर का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। तो आज के दिन की ना रोज़ की तरह जो भी एक्टिविटी रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर मौसम की बात की जाए तो फिर से यहाँ पे खिली खिली धूप रोज नजर आ रही है। सुबह हम सभी लोग धूप का बहुत वेट करते हैं, धूप आते ही धूप सेकने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सासू जी भी ऐसे ही गुन्नू को घुमा रहे हैं और आयुष के पापा की आज ना छुट्टी है, दोपहर के बाद जाएंगे 1 बजे के बाद। तो उन्होंने कहा मैं घर में हूँ तो चलो हल्दी पका लेते हैं करके, तो हल्दी हमने इसमें पकाने के लिए डाल दी। आयुष के पापा की आज छुट्टी है तो इन्होंने ना हल्दी पकाने के लिए डाल दी थी, मैंने अंदर का काम किया। तो एक डेग हल्दी हमारी यहाँ पे पक चुकी है, इसके बाद इसको सुखाएंगे, फिर उसके बाद इसको चक्की में पीसेंगे। तो दूसरा डेग फिर से इसमें डालते हैं। और यहाँ पे हमारा गुन्नू ला गया है बड़ा वाला झाजर जो इसकी मम्मी ने दिया, अब हम इससे निकालेंगे क्योंकि वो छोटा हो रहा ना, हाथ जल जा रहा है। तो हल्दी को ना इस प्रकार पकाने के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद जब ना ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है तो पक गया करके पता लग जाता है। उसके बाद इसको काटेंगे, फिर सुखाने के लिए डालेंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे। ए महला बोल, के बाद ना मैं आ गई यहाँ पे खेत में। मैं यहाँ पे ना एक डलिया गोबर लेके आई और जो परसों लहसुन लगाया था ना तो मेरे को उसको देखना था जम गया है या नहीं जमा है करके, तो इसको देखती हूँ, इसके बाद जाती हूँ फिर से घर की ओर। मैं आ गई हूँ यहाँ पे खेत में और जो खेत में ना हमने लहसुन लगाया था वो जम भी चुका है पूरे खेत में। और ये तो हमने प्याज के लिए छोड़ी है क्यारियाँ, इस साइड भी लहसुन ही है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी भी लगा रही है लहसुन, उन्होंने नहीं लगाया था। और यहाँ पे हमारे बुआ जी भी बैठे हैं। बुआ की बुन है आज क्यों? हाँ, तो इन्होंने ना गेहूं बोने हैं उस वाले खेत में, बैल गए हैं दूसरे वाले खेत में। मिहुला आ गई हूँ मैं, क्या कर ली चले बैठ गए। तो गाइस बुआ जी के साथ ना मैंने 2-4 गप्पे सप्पे मारे, मतलब 2 मिनट में उनके साथ बैठी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे वाले खेत में जिसमें ना मैंने भटकी ना मोटी मोटी लकड़ियाँ डाली थी, वो मैंने पूरे खेत में ऐसे फैला दी है। तो इस वाले खेत में ना हम फिर लगाएंगे आलू, तो थोड़ी बहुत इससे इनकी इनमें खाद बन जाती है। तो ये आग डालने के बाद फिर जाती हूँ घर की तरफ। तो तब तक मैं यहाँ से ना बकरियों के लिए काटती हूँ तंग, जो बकरियाँ खाती है ना। तो ये इस तरह से मैंने पूरे खेत में फैला दिए हैं, थोड़ी बहुत ना इनसे खाद बनती है। तो काटती हूँ यहाँ से इन झाड़ियों से थोड़ी बहुत बकरियों के लिए तंग, जिनको ना हम लोग सौंग मौंग बोलते हैं। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं ना खेत से घर आके आयुष के पापा के लिए मैंने बनाई है चाय। उनको ना हल्दी पकाते पकाते शायद थकान हो गई है, हल्दी भी थोड़ा बहुत था ही। लो चाय। तो फाइनली हमने ना आयुष के पापा ने 3-4 डेग हल्दी पका दी है। अब ये वाले भी काटने होंगे बड़े बड़े पीस, फिर डालते हैं इनको ऊपर छत में। तो अब जली हुई आग को मैं यहाँ पे बुझा देती हूँ पानी डाल के लकड़ियों में, क्योंकि ना ये दोबारा से जलाने के काम आएंगे कभी।
तो अब मैं धोती हूँ ये वाले बर्तन, और आज के पापा काटेंगे ना वो वाली हल्दी को। तो फाइनली धो दिए हैं यहाँ पे बर्तन भी मैंने। तो हल्दी भी हमने काट के यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए डाल दी है। ये सूखेगी एक हफ्ता पूरा, उसके बाद सूख के अच्छी तरह रेडी हो जाएगी, फिर इसको ना चक्की में कूट के लाएंगे। चलिए जी, दोपहर का एक बज चुका है और मैं भी नहा के आ गई हूँ। आज मैंने सुबह नहीं नहाया, तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दोपहर का लंच। तो मिलती हूँ आपको शाम के टाइम लंच करने के बाद। तो भाई शाम के 4 बज चुके हैं और मैं फिर से यहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम सभी लोग यहाँ पे गुड़ वाली चाय का आनंद ले रहे हैं, तो इसके बाद करते हैं आगे की जो भी एक्टिविटी रहेगी। और अभी ना यहाँ पे गुनिया बाल वाले भैया आए हैं और अब माजी ले रहे हैं बच्चे के लिए। देखो ना, अब मान लिए ना, ना यहाँ देखो। अरे पकड़ो, खाओ, निहान को नहीं है मैंने। चाय पीने के बाद शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी अभी हमारे वहाँ ना बहुत तेज बारिश हो चुकी है, जिसके कारण ना बहुत तेज ठंड भी बढ़ रही है और बीच में ना ओले भी बहुत पड़े अभी अभी। तो आपको भी दिखाती हूँ बारिश कितनी हो रही करके। तो अभी ना हम कहीं बाहर काम करने के लिए खेतों में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अदरक वदरक खोदना था, उसको हम कल को खोदेंगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी अभी ये बारिश का नज़ारा है यहाँ का। इसी के साथ ना अभी पहले ओले भी गिरे बहुत, और एक तरफ से धूप जैसी भी आई है। बारिश होने से ना एक तरफ से खुशी भी है और दूसरी तरफ से थोड़ा बहुत वो भी है, क्योंकि जो हमने खेतों में जो पानी डाला था ना ट्यूबवेल का, वो खेत अभी गीले ही हुए हैं, इसके कारण हमने उनको सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी वो दोबारा और गीले हो गई है, थोड़ा बहुत धूप भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है, बारिश तो होगी, काफ़ी टाइम के बाद बारिश हो रही है यहाँ पर। अक्टूबर फर्स्ट में हुई थी एक बारिश, उसके बाद आज नवम्बर में हो रही है। तो सभी लोग ठंड के कारण ना अपने अपने बिस्तरों पे घुसे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग ना मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ, सब्जी वब्जी मैं भी काटती हूँ बैठ के। तो मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, पहला।